तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस वीकली क्यू एन ए एपिसोड की वीडियो में जो कि हम हर हफ्ते करते हैं और मजा आ जाता है करके। मतलब आज भी 500-600 क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट कर दिया, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा आप लोग एक्साइटेड रहते हैं हर हफ्ते क्यू एन ए के लिए। और ये मतलब कमाल की चीज है जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब कितना आपका थैंक यू बोल लूं उतना ही कम है। और आज भी मैंने आपके बेस्ट क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है और अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं आता है बाय चांस गाइस तो हमेशा की तरह आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नीचे मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के जवाब जो है वो मिल जाए। अब एक चीज जो है बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि कमेंट्स के अंदर 50 कमेंट्स कर देते हैं एक ही क्वेश्चन जैसे, और उन लोगों का मैं क्वेश्चन जानबूझ के नहीं चुनता हूं, ऐसा नहीं है मैं देखता नहीं हूं, लेकिन ये चीज मैंने पहले ही बोली है कि स्पैम अगर कोई बंदा करता है एक ही क्वेश्चन को बार बार तो उससे दूसरे क्वेश्चंस देखने मेरे को मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चंस पढ़ने में। और अगर आप एक ही क्वेश्चन इतनी बार स्पैम करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, तो ये चीज का आप अगली बार ध्यान रखें अगर जो भी आप करते हैं ऐसा आपको पता है। अब पहला क्वेश्चन हम यहां पे स्टार्ट करते हैं गाइस, तन्मय मंडल की तरफ से आता है, ये पूछते हैं इज इट ट्रू दैट एनएक्सटी रिंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम रॉ और स्मैकडाउन। I thought that sound of impact of the wrestler is different in NXT from Raw and SmackDown. NXT mat sounds like more of Raw underground. Is it true or not? मतलब बेसिकली क्या दोनों शोज की रिंग में कुछ फर्क है? अब आई थिंक WWE जिस तरीके से रिंग बनाती है उसका प्रोसीजर पूरा सेम रहता है, मटेरियल जो यूज करे जाते हैं रिंग के लिए वो पूरे सेम रहते हैं। जहां फर्क आता है मेरे हिसाब से वो माइक वर्क में फर्क है, मतलब NXT के अंदर जहां जहां माइक्स लगाते हैं जिस तरीके से मैट की आवाज उठाते हैं वो शो के लिए वो अलग होती है एज कंपेयर टू रॉ एंड स्मैकडाउन। और आपने देखा होगा कि रॉ और स्मैकडाउन में जितना वो पीछे से क्राउड का शोर डालते हैं उतना NXT में नहीं डालते, और काइंड ऑफ क्योंकि NXT एक हार्ड हिटिंग स्टाइल है तो शायद इस वजह से मैट की आवाज जो है वो ज्यादा पिकअप करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ सच में यहाँ पे मैट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली में जो मटेरियल यूज होता है मैट का जो प्रोसेस यूज होता है वो सेम ही रहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है अरबब की तरफ से और ये पूछते हैं कुड देयर बी अ स्टिपुलेशन इन द मैच बिटवीन रोमन रेंज एंड जे उसो दैट इफ जे उसो लूजेस ही विल बिकम रोमन स्लेव। और ये वन ऑफ द टॉप कॉमेंट्स था कि रोमन रेंज ने जो स्टिपुलेशन के बारे में बात करी है कि भाई आखिर क्या होगा स्टिपुलेशन का। अब मुझे नहीं पता कल स्मैकडाउन में शायद रोमन रेंज बता ही देंगे स्टिपुलेशन क्या है, लेकिन ये स्टिपुलेशन अगर होगी तो एक काफी बढ़िया स्टिपुलेशन हो सकती है रोमन रेंज का हील कैरेक्टर आगे बढ़ाने के लिए कि वो जो कहें जो उसो को उनको वही करना पड़ेगा, मतलब रोमन का नौकर बनना पड़ेगा। और ऐसे करते करते रोमन जो है अपनी फैमिली के अंदर और भी मेंबर्स को कन्फ्रंट कर सकते हैं और वो जो गाड़ी है धीरे धीरे द रॉक तक पहुंच जाएगी। अब अगर ऐसा WWE करती है तो इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप की कोई स्टिपुलेशन होगी, शायद वो कुछ और होगी लेकिन वो क्या होगी एग्जैक्टली उसके बारे में मैं भी आपको नहीं बता सकता। उम्मीद करते हैं कल स्मैकडाउन में रोमन ही इस चीज को रिवील कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आता है बिशक की तरफ से, योर थॉट्स ऑन मुस्तफा अली बीइंग रिवील्ड एज द लीडर ऑफ रेट्रीब्यूशन, क्या इससे हैकर वाली स्टोरीलाइन कनेक्ट होगी फ्यूचर में? अब आई डोंट थिंक हैकर वाली स्टोरी लाइन का रेट्रीब्यूशन से कोई भी लिंक है, क्योंकि अगर होता तो WWE जरूर हमें अभी तक कोई ना कोई हिंट जरूर दे देती इसके बारे में, और उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ करा नहीं है। और हैकर को गए हुए इतना ज्यादा समय हो गया और ऊपर से जो रेट्रीब्यूशन है वो रॉ पे है और हैकर स्मैकडाउन पे था, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा। और जहां तक मुस्तफा अली की बात है आई थिंक ये एक काफी सही चीज है कि मुस्तफा अली को रेट्रीब्यूशन का लीडर बनाया गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि उनके करियर के लिए और उनके पुश के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं मुस्तफा अली को इतनी बड़ी एक हील फैक्शन की लीडर की फॉर्म में देखूं तो मुझे कुछ खास उतना अभी मजा नहीं आ रहा। लेकिन इसके पीछे रीजन है कि 2-3 हफ्ते पहले मुस्तफा अली एज अ बेबी फेस अपोलो क्रूज वगैरह के साथ लड़ रहे थे और अब हमें पता लग रहा है कि वो रेट्रीब्यूशन के लीडर हैं, तो मेरे हिसाब से अगर इसकी कोई बिल्ड रहती या फिर थोड़े हिंट्स हमें ओवर द वीक्स दिए जाते और फाइनली मुस्तफा अली को रिवील करा जाता तो शायद इंपैक्ट थोड़ा बड़ा पड़ता। लेकिन आने वाला समय अब WWE के लिए ज्यादा जरूरी है कि क्या वो उस पीरियड में करते हैं और उसके बाद पता लगेगा कि ये चीज काम करेगी या फिर नहीं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि एक काफी बड़ा सा रैपिड फायर लग रहा है, फटाफट से इसको करते हैं। आता है ओमकार की तरफ से, ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स, डेफिनेटली आई विल पिक शॉन माइकल्स क्योंकि रेसलिंग की वजह से, द रॉक वर्सेस पॉल हेमन माइक, डेफिनेटली द रॉक, शील्ड वर्सेस डार्क ऑर्डर, ऑब्वियसली शील्ड यार, इतनी मतलब हिस्टोरिकल फैक्शन को हम डार्क ऑर्डर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो कि एक अच्छी फैक्शन है AEW के अंदर, लेकिन उन्होंने कुछ खास ऐसा अचीव नहीं करा एज अ होल ग्रुप जो कि शील्ड ने करा था। और कंपेयर भी करें तो डार्क ऑर्डर में काफी ज्यादा मेंबर्स हैं और शील्ड में सिर्फ 3 ही थे। एटीट्यूड एरा वर्सेज रूथलेस एग्रेशन एरा, डेफिनेटली एटीट्यूड एरा, एलिस्टर ब्लैक वर्सेज केनी ओमेगा, केनी ओमेगा, नाकामुरा वर्सेज स्टाइल्स अगेन और टेकर वर्सेज स्टिंग अगेन।
अब मुझे नहीं लगता कि टेकर वर्सेस स्टिंग पहले कभी हुआ है, लेकिन तब भी मैं इसी मैच को चुनूंगा क्योंकि वन टाइम ओनली भी अगर ये होता तो सारे फैंस देखना चाहेंगे। और नाकामुरा एजे स्टाइल्स जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसने काइंड ऑफ डिसअपॉइंट करा था, मैं अभी फिलहाल उसको फिर से नहीं देखना चाहूंगा। डी जनरेशन एक्स वर्सेज एनडब्ल्यूओ डीएक्स। एंड वन लास्ट थिंग यू कैन डू इफ यू हैव अ टाइम मशीन, अंडरटेकर स्ट्रीक कंटिन्यूज और स्टॉप विंस एंडिंग रूथलेस एग्रेशन एरा। भाई कौन सी चीज़ मैं करना चाहूँगा, अगर मेरे पास टाइम मशीन आ जाए तो मैं टेकर की स्ट्रीक वाली चीज़ करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अंडरटेकर की स्ट्रीक कभी टूटनी नहीं चाहिए थी। रूथलेस एग्रेशन एरा किसी चीज़ की वजह से बंद की थी विंस मैकमैन ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लान करा कि कल मैं इस एरा को ख़त्म कर दूं, और वो चीज़ भी गाइस जो है एक अलग रीज़न की वजह से हुई थी। लेकिन अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना रेसलमेनिया 30 में अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर मेरे हिसाब से गलत डिसीजन था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है नासिर की तरफ से, क्या सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन में जाएंगे तो उन्हें फेस सुपरस्टार बना दिया जाएगा अगेंस्ट द हील रोमन रेंस, क्या ये एक बड़ा मैच हो सकता है? अब ये भी एक काफी बड़ी प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं, कल ड्राफ्ट शुरू हो रहा है, क्या एक्चुअली में सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन पे जाएंगे और अगर वो जाएंगे तो फेस बन जाएंगे? आई डोंट थिंक कि सेथ रॉलिंस का भी फेस बनने की जरूरत है, और उनकी जो स्टोरी लाइन चल रही है अभी रे मिस्टीरियो के साथ वो कंप्लीट भी नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से जब तक वो स्टोरी लाइन कंप्लीट नहीं होती वो रोमन की तरफ नहीं जाने वाले। और रोमन वर्सेस सेथ अगर WWE को करना है वो भी फॉर द टाइटल, तो अभी वो करने का सही समय नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है एक चैंपियनशिप मैच फिर से नहीं हार सकते, क्योंकि पहले भी वो ड्रू मैकइंटायर से हार गए हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेट पॉसिबल है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि रोमन और सेथ अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रो रेसलिंग प्रिडिक्टर की तरफ से, भाई अभी फीड और केओ का मैच होगा क्या कल स्मैकडाउन में, और एलेस्टर ब्लैक की फ्यूड भी केओ के साथ चल रही है, तो क्या इन फ्यूचर एलेस्टर ब्लैक जो है वो फीड और एलेक्सा को, या फिर फीड वर्सेस ब्लैक, आई डोंट नो, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्या एलेस्टर ब्लैक फ्यूचर में फीड और एलेक्सा ब्लिस के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर उनका मैच फीड के साथ हो सकता है। अब ड्राफ्ट में मैंने आपको बोला था कि एलेस्टर ब्लैक को स्मैकडाउन में आ जाना चाहिए, लेकिन साथ के साथ मैंने ये भी बोला था कि फीड को रॉ में चले जाना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है तो दोनों सेपरेट शोज पे हो जाएंगे और ये चीज़ होनी मुश्किल है, लेकिन अगर फीड अपना शो स्विच नहीं करते और ब्लैक आ जाते हैं स्मैकडाउन पे तो डेफिनेटली इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। और केविन ओवेंस की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि उनकी फ्यूड जो एलेस्टर ब्लैक के साथ चल रही है वो भी कंप्लीट होगी हेल इन अ सेल में, और वहीं हमें इनका भी मैच देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं नंदिनी की तरफ से, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हेल इन अ सेल 2020? अभी तक मैं कहना चाहूंगा कि मैकइंटायर वर्सेस ऑर्टन एक बड़ा मैच है, और जितने भी हेल इन अ सेल मैचेस होंगे सबके लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि साल में एक बार हेल इन अ सेल मैच आता है, उम्मीद करेंगे कि वो एक्चुअली में किसी अच्छे हेल इन अ सेल मैच की तरह हो, सेथ रॉलिंस वर्सेस फीड वाले मैच की तरह ना हो, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं देखना चाहता। मैं उम्मीद कर रहा हूं अच्छा शो होगा, लेकिन डेफिनेटली हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहां पे, व्हाई टू जेरिको हॉलिक की तरफ से, अकॉर्डिंग टू यू शुड रैंडी ऑर्टन विन एट हेल इन अ सेल? सच सच बताना जो मन में है। भाई ये चीज़ तो मैंने पहले ही बोल दी थी कि जो रैंडी ऑर्टन की रेन है वो अब शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने दो बार हरा दिया ऑर्टन को। इनफैक्ट मैंने तो कहा था कि अभी पिछले पेपर व्यू में जो है ड्रू मैकइंटायर को हार जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं करी WWE ने, तो अब रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से हार नहीं सकते। वो चीज़ अगर WWE ने करी तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि 3 महीने तक ये फ्यूड चलाने का क्या मतलब अगर रैंडी एट द एंड जीते ना? मुझे लगता है कि अब वो जीतने वाले हैं, और WWE अभी भी कुछ इस तरीके से ऑर्टन को जितवाएगी कि ड्रू मैकइंटायर उसमें किए जा सके, और क्योंकि मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप फ्यूड से जब बाहर होंगे तो उनको जो है आगे एज अ गुड कैरेक्टर कंटिन्यू करना भी WWE के लिए एक काफी बड़ा टास्क होगा, और उस चीज को एक सही तरीके से भी करना WWE के लिए एक चुनौती है, और वो चीज वो खराब ना कर दे उसका मुझे लगता है वो ध्यान दे रहे हैं। तो अगर ऑर्टन जीतते हैं हेल इन अ सेल में तो ड्रू मैकइंटायर शायद वहां पे अपना फाइनली जो है टाइटल ड्रॉप तो कर देंगे, लेकिन उनका जो पुश है मुझे लगता है खत्म नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है द अननोन स्पोर्ट्स की तरफ से, Q&A, किसके ज्यादा चांसेस हैं, RCB IPL ट्रॉफी के या फिर रैंडी ऑर्टन यूनिवर्सल चैंपियनशिप? भाई मुझे लगता है कि रैंडी अभी तो WWE चैंपियन बनेंगे पहले, लेकिन तब भी उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का जो चांस है वो RCB के IPL जीतने से बहुत ज्यादा है, क्योंकि RCB जो है पिछले 10-11 सालों जब मुझे कभी भी नहीं जीती IPL, और इस बार भी जो उनके खेल रहे हैं जिस तरीके से, आई डोंट थिंक कि RCB IPL जीतने वाली है, एंड दिस इज रियली एन ऑनेस्ट आंसर। अगले की हम बात करते हैं, आते हैं सिंहराज की तरफ से, मैंने पिछली बार भी ये पूछा था, प्लीज इस बार बता दो कि मंडे नाइट वॉर्स के बाद माचो मैन रैंडी सैवेज WWE में फिर कभी क्यों नहीं आए? अब इसका एक रीजन तो ये था कि उनका गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई जब WCW मुझे पैसा दे रही है तो मैं आखिर क्यों WWE में वापस जाऊंगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे वो ये थी कि रैंडी सैवेज को WWE ने उतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं समझा, या फिर उनकी कोई वर्थ उतनी नहीं समझी जब
पूरी वॉर्स खत्म हो गई थी और उनको शायद वापस बुलाना भी ठीक नहीं समझा क्योंकि वो 80s के स्टार थे और मुझे नहीं लगता कि अगर हल्क होगन सिंगल सुपरस्टार होते पूरे मंडे नाइट वॉर्स के समय में तो हल्क होगन भी वापस आते और बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी रैंडी सैविज के साथ हुई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अभिषेक कुमार, व्हाट आर द 4 बिग चेंजेस यू वांट टू सी इन AEW इन नेक्स्ट 2 or 3 ईयर्स एंड व्हाई। भाई ये एक अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं AEW में देखना चाहूँगा बेटर। पहली हो सकती है कि एक प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो मैं WWE के लेवल की देखना चाहूँगा, लेकिन वो मुझे पता है अभी नहीं हो सकता क्योंकि बजट में रह के वो कंपनी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है वो जाके दुनिया की बेस्ट प्रोडक्शन दिखाएं क्योंकि वो चीज़ मैटर करती है, लेकिन उस स्टेज के बाद जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए और पहला गोल AEW का है कि अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है और ये चीज़ उनका काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा वो है विमेंस डिवीजन को इम्प्रूव होता हुआ, जिसके लिए हम लोग कब से बोल रहे हैं, पहले से WWE की विमेंस डिवीजन अब थोड़ी और बेकार होनी शुरू हो गई है, बीच में काफ़ी अच्छी हो गई थी एक समय पर, लेकिन AEW में हमें एक बार भी डिवीजन में कुछ खास देखने को मिला नहीं और उसका जो करने का तरीका है मुझे लगता है एक ही है कि और सुपरस्टार्स को वो साइन करें। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि अभी कुछ ज़्यादा बोलना जरूरी है कि ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, एक साल हुआ अभी डायनामाइट को शुरू हुए और जिस तरीके से उन्होंने अपने शो को सस्टेन करा है और ठीक ठीक तरीके से वो चलाए जा रहे हैं आगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये कंपनी आगे धीरे धीरे ग्रो करती चली जाएगी और धीरे धीरे वो जो अपनी गलतियों से सीखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज भी करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे भावेश की तरफ से, पूछता है मेरा क्वेश्चन, यार तुम मेरा क्वेश्चन कभी पिक नहीं करते, अनसब्सक्राइब इज डन। अब तुम चले गए और मैंने तुम्हारा क्वेश्चन ले लिया, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ गुड फुली मैड, ओ माय गॉड व्हाट अ नेम, ड्राफ्ट कैसा होगा, मतलब क्या जनरल मैनेजर आके नेम अनाउंस करेंगे, कौन किस ब्रांड पर रहेगा। भाई ये होगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि WWE ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा है और जनरल मैनेजर तो अभी शो पर है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक जनरल मैनेजर हम उन्हें कह सकते हैं, लेकिन हाँ स्टेफनी मैकमैन जैसा कोई हो सकता है जो कि आके ड्राफ्ट को कंडक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कॉमेडी धमाल की तरफ से, विल ब्रॉक लेसनर वर्सेस द फीड हैपन, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ब्रॉक लेसनर बहुत लोग कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में आ सकते हैं वापस WWE में एज अ सरप्राइज रिटर्न, और अगर ऐसा होता है तो मैं कंप्लीटली शॉक रह जाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसे कोई रूमर सुने नहीं है, और जो लास्ट अपडेट हमें ब्रॉक लेसनर के बारे में मिली थी वो यही बता रही थी कि रेसलमेनिया 37 ही अगला ऐसा पेपर व्यू बनता है जहां पे ब्रॉक को वापस लाना WWE के लिए एक अच्छी बिजनेस डील हो सकती है। तो अगर लेसनर वापस आ जाते हैं और सेम ब्रांड पे आ जाते हैं जिस पे फीड होगा तो ये मैच हो सकता है, लेकिन अभी अगर नहीं भी होता तो फ्यूचर में मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगा कि एक बार ब्रॉक लेसनर और फीड आपस में कोलाइड करें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है क्लीन बोल्ड गेमिंग की तरफ से, ब्रो व्हिच वाज योर गूज़बम्प्स मोमेंट इन WWE। बहुत सारी हैं वैसे तो, मैं तो मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज को ही गूज़बम्प्स कह सकता हूं भाई क्योंकि इतना कुछ जानने को मिला, लेकिन ऐसी चीज जो मैंने लाइव खुद विटनेस करी और मेरे लिए गूज़बम्प्स थी, दो जो मेरे दिमाग में आ रही हैं समय पे, उसमें से एक थी अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटना रेसलमेनिया 30 में, जो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था उस समय मेरे को, मैं पागल हो गया था, इधर उधर कूद रहा था बिल्कुल, अगर वो रिएक्शन मैं आपको दिखा सकता तो आप हंसते मुझ पे जिस तरीके से मैंने रिएक्ट करा था। और दूसरी चीज़ थी शेन मैकमैन का WWE का रिटर्न, क्योंकि लिटरली पूरे इंटरनेट के ऊपर किसी को नहीं पता था कि शेन वापस आने वाले हैं, और जब वो आए वो डेट्रॉइट मिशिगन वाली मंडे नाइट रॉ में अभी भी नहीं भूल सकता, और वो रिएक्शन जब भी हम देखें तो मतलब पागल हो जाते हैं उसको देख के, गूज़बम्प्स आते हैं। और डेफिनेटली बहुत सी ऐसी और भी मोमेंट्स होंगी जो मैं अभी ओवर द टॉप ऑफ माई माइंड मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन हर साल एक या दो चीजें तो ऐसी होती हैं जहां पे हमें गूज़बम्प्स आते हैं। और फिर गाइस आज का फाइनल क्वेश्चन आता है ओम सिंह की तरफ से, भाई हमने WWE को, हमें WWE एक बच्चे की नजर से देखनी चाहिए या फिर एक स्मार्ट इंटरनेट फैन की नजरों से जो सारे स्मार्ट टर्म्स को जानता है, प्लीज ये क्वेश्चन लीजिए, ले लेंगे तो बहुत खुशी हो, मैं खुश हो जाऊंगा और मुझे लगेगा कि मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूं। अरे भाई सारे लोग जो हैं यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, जिसका क्वेश्चन नहीं लिया वो भी सब्सक्राइबर हैं क्योंकि एटलीस्ट आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइबर हैं। अब यहाँ तक जहाँ तक ये सवाल की बात है, देखो ये सबका खुद का ओपिनियन है, अगर आपको इंटरनेट पे जाके अपना ओपिनियन देना है और किसी चीज़ के बारे में आपको टाइप करना चाहते हैं ट्वीट करना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, इंटरनेट बना इसीलिए था कि आप लोग अपना ओपिनियन दे सकें, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहने की कोशिश भी ज़बरदस्ती हमको नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर आपको एक चीज़ सच में पसंद आ रही है और आप खुद देखते हो कह रहे हैं हाँ यार ये चीज़ अच्छी लगी ये चीज़ मुझे बेकार लगी, तो ऑनलाइन आके ये दिखाना कि आपको वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी या फिर जानबूझ के ओपिनियन चेंज कर रहे हैं कि लोगों को मैं ये बोलूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा लाइक करेंगे,
ये मेरी मेंटालिटी में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब AEW कुछ बहुत अच्छा कर दे तो मैं तारीफ कर देता हूँ, WWE कुछ खराब कर दे तो बेइज्जती कर देता हूँ और लोगों को लगता है मैं AEW का फैन हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का कोई फैन वैन नहीं हूँ। इतने समय से मैं रेसलिंग देख रहा हूँ और मैं रेसलिंग का फैन हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी देखने को मिलती है रेसलिंग में जिसके लिए मेरे पास टाइम है, जो कि मैं देख रहा हूँ वीकली, और अगर मुझे उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको बताऊंगा, अच्छा लगा तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके ऊपर है बेसिकली कि आप किस तरीके से रेसलिंग को लेना चाहते हैं। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो आपको इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक कंपनी अच्छी है दूसरी बेकार है। और अगर आप लोग सिर्फ WWE ही देखते हैं तो AEW में चाहे कुछ बहुत अच्छा हो चाहे फिर बेकार हो बिल्कुल, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है मेरा इस पर बेसिक ओपिनियन, बाकी आप लोगों की मर्जी है, हर बंदे का पास राइट है अपना खुद का ओपिनियन देने का, और इसीलिए इंटरनेट जो है यहाँ पे हमारे लिए बना हुआ है। तो गाइस ये था आज का Q&A वीडियो के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमेशा हर फ्राइडे रेडी रहते हैं इस वीडियो के लिए, और मैं भी रेडी रहता हूँ बनाने के लिए, और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो मतलब फ्राइडे की फिक्स ही हो जाए, एक भी हफ्ता मिस ना हो, वो मेरी अब कोशिश रहेगी आने वाले समय में। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, और हमेशा की तरह कहूंगा कि अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन रह गया है कुछ, या फिर आपको आंसर नहीं मिला उस बात का जो आप यहाँ पे जानने आए थे, तो कॉमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।